हाँ जी, तो एक फिजिक्स का डाउट आया है, उसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी डाउट है, तो सुनिए ध्यान से। तो डाउट जो है उसके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। सो द डाउट इज कि चार्ज है 2 माइक्रो कूलाम के, जो कि प्लेस करे गए हैं एक्स इजिकल्स टू 0, 1, 2, 3 एंड 4 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, और हमें नेट फोर्स निकालना है 1 सेंटीमीटर पर। तो चलो कार्यवाही शुरू करते हैं इसके ऊपर और जानते हैं इसका सॉल्यूशन हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो सुनिए भाई, देखो एक्स एक्सिस आप लोग जानते होंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चार्ज है, क्योंकि जो वैल्यू दी है वो दी है 2 माइक्रो कूलाम, ठीक है, 2 माइक्रो कूलाम। इसको अगर आप कूलाम में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻⁶ कूलम, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू हमारी ये आ गई। अच्छा, और ये प्लेस कहाँ करे गए हैं, ये प्लेस करे गए हैं, एक तो 0 पर प्लेस है, और मैं बराबर बराबर डिस्टेंस लेना चाहूंगा, तो 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। एक प्लेस है 1 सेंटीमीटर पर, और एक प्लेस है 2 पर, एक है 3 और 4 पर, ठीक है, इस तरह से प्लेस्ड है। और सुनिए ध्यान से क्या बताया गया है, यहाँ पर भी क्यू चार्ज है, यहाँ पर भी क्यू चार्ज, यहाँ पर भी क्यू, और यहाँ पर भी क्यू, और यहाँ 0 पर भी क्यू चार्ज है, ठीक है। तो क्यू क्यू क्यू, ठीक है, ये मैंने लिख दिया है। यहाँ पे हमसे पूछा है नेट फोर्स, ठीक है, नेट फोर्स बोल दीजिए या रिजल्टेंट फोर्स बोल दीजिए, बात एक ही होती है, ठीक है। हमसे पूछा है नेट फोर्स एट, हमसे पूछा नेट फोर्स एट 1 सेंटीमीटर, मतलब कि इस 1 सेंटीमीटर पर जो नेट फोर्स है वो कितना होगा, ठीक है। अब आप खुद देखिए, हमें यहां निकालना है, इस वाली पोजीशन पर निकालना है, हमें निकालना है इस वाली पोजीशन पर, ठीक है। तो आप खुद सोचें, यहां पर जो डिस्टेंस है वो भी 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी जो डिस्टेंस है वो भी 1 सेंटीमीटर है, मतलब इक्वल डिस्टेंस है। चार्ज जो कि प्लेस्ड है 2 सेंटीमीटर पर, और उस चार्ज पर जो कि प्लेस है 0 सेंटीमीटर पर, तो यहाँ पर बराबर डिस्टेंस है और बराबर चार्ज है, और बीच में एक चार्ज है, ठीक है। तो इस वन पर, इस सेकेंड पोजिशन से लगने वाला जो फोर्स होगा उसको मैंने नाम दे दिया, उसको मैंने नाम दे दिया यहाँ पर F2, ठीक है। और जो 0 से लग रहा है इधर की तरफ उसको मैंने नाम दे दिया है F0। आप खुद देखें, डिस्टेंस इक्वल है, चार्ज इक्वल है, सब कुछ इक्वल है, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, ठीक है। F0 कहाँ लग रहा है, F0 लग रहा है आपका आई कैफ की तरफ, और ये किधर लग रहा है, ये लग रहा है माइनस आई कैफ की तरफ। अभी आई कैफ, जे कैफ और के कैफ क्या है आपने जानते होंगे, आई कैफ इज फॉर एक्स एक्सिस, ठीक है, जे कैप इज फॉर वाई एक्सिस, ठीक है, एंड जेड कैप इज फॉर, सॉरी जेड कैप नहीं होता है, के कैप इज फॉर जेड एक्सिस, ये होते हैं, ठीक है। सब फोर्स की वैल्यू दोनों की ही सेम है, मतलब कि F0 जो है वो इज इक्वल टू होता है F2 इसके केस में, दोनों फोर्स बराबर हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो अब मैं जो न्यू ड्राइंग बनाने जा रहा हूँ वो देख लीजिए, न्यू जो डायग्राम आएगा वो क्या आएगा, मतलब कि अब इस फर्स्ट पोजिशन पर जो फोर्स लग रहा होगा वो किसकी मदद से लग रहा है, ठीक है। ये तो 0 था अपना, यहाँ पे मैंने 1 बना दिया है, 2 और 3 मैंने बना दिया है, 4 बना दिया, ठीक है। तो अब इस पर जो फोर्स लग रहा है इस फर्स्ट पोजीशन पर वो किसी वजह से लग रहा है, वो फोर्स लग रहा है सिर्फ और सिर्फ इस थर्ड पोजीशन की वजह से, ठीक है, और इस फोर्थ पोजीशन पे जो चार्ज प्लेस है उसकी वजह से, ठीक है। तो इन दोनों की वजह से अब इसके ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ये जो फोर्थ पोजीशन पर चार्ज प्लेस है और जो थर्ड पोजीशन पर चार्ज प्लेस है, ठीक है। अब देखें करेंगे क्या, यहाँ पर भी चार्ज है क्यू और यहाँ पर भी चार्ज है क्यू, और ये मान के चलो मैंने नाम दे दिया इसको F3 और इसको मैंने नाम दे दिया है F4,
अब हमें क्या निकालना है इस पर, नेट फोर्स। नेट फोर्स जो होगा वो इन दोनों का ही रिजल्टेंट होगा। आप खुद देखिए, इस एफ थ्री पर, सॉरी एफ थ्री नहीं, इस वर्ष फर्स्ट पोजिशन पर जो एफ थ्री फोर्स लगा रहा है वो कौन से डायरेक्शन में लगा रहा है? माइनस आई कैप। और ये भी कहाँ लगा रहा है? माइनस आई कैप। मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों फोर्स एड हो जाएंगे। ठीक है, ये बात याद रखना, दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे? एड हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं इरेज करता हूं और आगे चलते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे। टोटल जो फोर्स हो जाएगा अपना, जो नेट फोर्स हो जाएगा, उसमें हम दोनों ही फोर्सेस को ऐड कर देंगे, एफ थ्री को एफ फोर के साथ। ठीक है, इन दोनों ही फॉर्मूले में एक चीज कॉमन है, बताता हूँ क्या कॉमन है। देखो, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वेयर। आर यहाँ पर डिस्टेंस है और क्यू वन है पहला चार्ज और क्यू टू है कोई दूसरा चार्ज। तो यहाँ पर जो चार्ज प्लेस है उसकी वैल्यू क्यू है, और यहाँ पर भी जो चार्ज प्लेस है उसकी वैल्यू भी क्यू है। तो मैं इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करके ऐसे लिख सकता हूँ, के क्यू स्क्वेयर ओवर आर स्क्वेयर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो एफ थ्री का फॉर्मूला भी ये बन गया है और एफ फोर का फॉर्मूला भी ये ही बन गया है। ठीक है, लेकिन आर की वैल्यू दोनों में अलग अलग है। यहाँ पर जो आर की वैल्यू है, आप देखिए, थ्री से वन के बीच में कितना डिस्टेंस हो गया? 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो गया। और फोर से वन के बीच में कितना डिस्टेंस हो गया? ये हो गया है आपका 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो गया। तो आर की वैल्यू वेरी कर रही है, और जो कॉन्स्टेंट चीज है उनको मैं बाहर लिख लेता हूँ पहले ही। तो मैंने क्या किया, के क्यू मैंने बाहर निकाले, क्योंकि दोनों में के क्यू सेम है। ठीक है, चार्ज सेम है और कॉन्स्टेंट तो सेम है ही, और जो चीज अंदर रह जाएगी वो क्या रह जाएगी हमारा, आर। मैंने इसको मान, चलो नाम दे दिया है R3, और इसको मैंने नाम दे दिया है R4। ठीक है, तो R3 का स्क्वेयर प्लस 1/R4 का स्क्वेयर, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। या तो वैल्यूज डायरेक्ट पुट कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, जैसे मैं करने जा रहा हूँ, K की वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁻¹। ठीक है, Q की वैल्यू क्या दे रखी है हमें? Q की वैल्यू दे रखी है हमें, Q कितना दे रखा है? 2 माइक्रो कूलम, जिसको कि मैं लिख सकता हूँ 2 × 10⁻¹। ठीक है, ये Q आ गया इसके स्क्वेयर। और अब इसके अंदर देखो, 1/R, R कितना दे रखा है? R3, R3 कितना है? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 10⁻², मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, और उसका स्क्वेयर, हम ऐसा यूनिट की ही बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, इसके बाद 1/, ऐसे ही इसका कर देंगे R4। R4 का क्या आ गया यहाँ पे? R4 कितना दे रखा है? 3 सेंटीमीटर दे रखा है। तो कितना हो जाएगा? 3 × 10⁻²। ये भी मैंने मीटर में कन्वर्ट किया है। ठीक है, 10⁻², को इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि मैंने सेंटीमीटर से मीटर बनाया है। ठीक है, और फिर इसका स्क्वायर, और ये बड़ा ब्रैकेट आ गया। अब मैं इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, स्पेस का प्रॉब्लम हो रहा है उधर। ठीक है, मैं एक लाइन खींच देता हूँ जिससे कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो बाकी का सॉल्यूशन मैं इसके नीचे करने जा रहा हूँ। ठीक है भाई, तो ध्यान से सुनिएगा। तो ये है 9 × 10⁹। अब इसको सॉल्व करो, इसको ये कितना हो जाएगा? 4 × 10⁻²। ये जो दोनों पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, क्योंकि एक्स की पावर एम और फिर उसकी पावर एन होती है, तो क्या हो जाता है? एक्स की पावर एम एन हो जाता है। ठीक है, ये हो जाता है, आई थिंक आपको ये पता होगा, लेकिन मैं एकदम ना आपको बच्चों की एकदम स्पून फीडिंग कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, हाँ जी, अब सुनिए। इसके बाद अब ये क्या हो जाएगा, 1/, क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया है, इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करोगे कैसे करोगे? ये हो गया 4 × 10⁻⁴। ठीक है, प्लस 1/9 × 10⁻⁴, सेम आ गया। ठीक है, अब देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करो। तो देखो ये, इसको सॉल्व करो पहले, ये और ये मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 36 × 10⁻⁴, कितना हो गया ये? 10⁻³ हो गया -3, क्योंकि ये माइनस की पावर बड़ी है, ज्यादा है। ठीक है, इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसको वैल्यू दो भाई। ठीक है, हाँ, अब देखो, हाँ जी, यहाँ क्या हो गया है? अब यहाँ हो गया 10⁴। अब जो भी माइनस की पावर ऊपर जाएगी तो प्लस का हो जाएगा, अपॉन 4। ठीक है, प्लस
कितना आ गया यहाँ पर, यहाँ आ गया 10 की पावर 4 अपॉन 9। ठीक है भाई, अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे, मैं देखो यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है भाई, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होता है, यहाँ पे हमारा ये आ गया, इसके बाद में बता रहा हूँ, ठीक है। तो 36 × 10⁻³, एलसीएम ले लीजिए इन दोनों का, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, इनका आएगा 36, ठीक है, 36 एलसीएम आ गया 9 और 4 का। अब यहाँ कितना जाएगा, यहाँ जाएगा 9, ठीक है, और ये 10 की पावर 4 को इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 90,000, ठीक है, प्लस, और देखो बहुत ही, देखो आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ना 4 से 9 टाइम्स, एंड 9 से मल्टीप्लाई करो 10 की पावर 4 का, तो इतना आ जाएगा प्लस। ये तो बेसिक मैथ है, मैं इतना क्यों समझा रहा हूँ, अरे नहीं इतना नहीं। अब फिर यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4, ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आगे क्या होगा, तो देखो ये हो जाएगा आपका, पहले तो इसको कैंसिल कर दो, 36 से ये 36 कैंसिल हो गया। अब हमारा बचा क्या, डायरेक्ट करते हैं 10 की पावर -3, और अंदर में बच गया है 13 और 1,30,000, ये बच गया। इसको हम सिंप्लीफाई फॉर्म में और कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इस तरह से, इसको लिख सकते हैं 13 × 10⁴ और इंटू में 10 की पावर -3, और ये कैसे हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा आपका 13 × 10⁻¹, जिसको कि आप लोग लिख सकते हो 130 न्यूटन। देखिए आंसर आ चुका है हमारा 130 न्यूटन, ठीक है, आंसर हमारा आ चुका है 130 न्यूटन। अब इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है, साइंटिफिक फॉर्म में हम जवाब कैसे देंगे, साइंटिफिक फॉर्म में देखिए मैं यहां लिख देता हूँ, इस जगह पर बता रहा हूँ, ठीक है, 130 न्यूटन को हम साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे 1.3 × 10⁻² N, ठीक है, साइंटिफिक फॉर्म में ये आंसर हो गया, और 130 इंटू नहीं हो गया, जो भी आंसर आपका दे रखा होगा वही करेक्ट होगा इन दोनों में से। तो इसी के साथ ये डाउट क्लियर हो जाता है, और बस और भी कोई डाउट बचता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है, मैं ऐसे ही सॉल्व करता रहूंगा, खत्म।